हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है फिर से कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, और हमें ना ये सामने वाला जो फ्लैट है ना, ये खाली हो रहा था तो ये मिल गया, और यही फाइनल हमने कर दिया कि दूर जाने से अच्छा है कि ट्रांसपोर्टेशन का भी बचेगा, और दूसरा मेन चीज़ जो टाइमिंग की रहती है वो भी बचेगी, क्योंकि मुझे ना अकेले को ही मैनेज करना पड़ता है ज़्यादातर, कि ये ऑफिस से आते लेट हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये जस्ट कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, ख़राब वाली भी कि स्विचेस हैं या फिर अलमीरा है या ड्रॉर, कुछ भी मतलब एनीथिंग एल्स। वो इसलिए कि वो एक ना अपने के अपने पास प्रूफ भी रह जाता है थोड़ा, जब हम छोड़ते हैं फ्लैट, और बताने के लिए भी ओनर को थोड़ा हो जाता है। और यहाँ पे ना स्विचेस इतने लगे हुए ना कि क्या बताऊँ, क्योंकि हमारा ये ना इसी बिल्डिंग में तीसरा फ्लैट है, और हमें इतनी प्रॉब्लम होती थी स्विचेस को लेके कि क्या बताऊँ। और स्विच भी फिटिंग जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग पता नहीं कैसे की है, मतलब कि बेड के ऊपर चढ़ के फिर स्विच ऑन ऑफ करो, बट यहाँ पे ये हासिल होने वाला नहीं है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें बतानी है, जैसे ये नेट है, इसमें भी थोड़ा सा गैप लग रहा है, तो ये सब ओनर को बताएंगे, शायद वो ठीक करवा दे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ, थोड़ा सा प्रूफ भी हो जाता है, और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम एज अ प्रूफ इसमें रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तो वॉशरूम है ये, और बाकी मतलब कि स्ट्रक्चर सेम है, टाइल सेम है, क्योंकि तीसरा फ्लैट है हमारा, तो उस तरीके से अगर देखा जाए ना तो हमें कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आता कि हाँ हमने फ्लैट चेंज किया। और ये रूम का ना हमें ये भी बताना पड़ेगा उनको कि जो ये मिरर है इसी के साथ ड्रॉर दोनों उसी के साथ ही खुल रहे हैं या फिर अटक रहे हैं जब बंद कर रहे हैं। तो और स्टोरेज की ना कोई कमी नहीं होने वाली है, यहाँ पे इतना स्टोरेज है, तीनों बेडरूम में अलमीरा बनी हुई है, और यहाँ पे हॉल में भी थोड़ा सा बना हुआ है स्टोरेज का, तो काफ़ी स्टोरेज है और अच्छा फ्लैट है, काफ़ी स्पेशियस है ये पहले वाले से। तो इधर है ब्यूटीफुल सी बालकनी, और बालकनी के पास ना ये थोड़ी सी टाइल निकली हुई लग रही है मुझे, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा उनको, वो ठीक करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि जो जो लग रहा है ना वो हम ठीक करवा देंगे, आप बता देना। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, अब आपको आने वाली वीडियोज़ में ना काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और ये है मास्टर बेडरूम, और इस बेडरूम के साथ भी ना बालकनी अटैच है। और ये है किचन, तो किचन भी पहली वाली किचन से काफ़ी बड़ी है, और बस चिमनी नहीं है यहाँ पे, तो बोला तो है उन्होंने कि चिमनी लगवा देंगे। और इधर एक यूटिलिटी है किचन के साथ ही, बट ये जो डोर है ना थोड़ा सा ये हार्ड है, मतलब कि थोड़ा सा क्या, काफ़ी मेहनत से खुल रहा है, पूरी तरह ये बंद नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आ जाएगी हमारी वॉशिंग मशीन,
तो इस वीडियो अभी जो क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ ना, इससे पहले आपने इमेजेस देखी होंगी एक्चुअली, तो उन इमेजेस से आप शायद बोर हुए होंगे, बट वो ना जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने ऐड की हैं वीडियो में। एक तो अपने लिए होता है कि जब फ्लैट छोड़ना रहता है ना, तो थोड़ा सा प्रूफ चाहिए रहता है दिखाने के लिए। वैसे तो खैर ओनर जो है ना हमारे इस फ्लैट के बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी अपना एक रहता है ना सेफ एंड साइड कि अपने पास होना चाहिए प्रूफ, तो इसीलिए मैंने वो ऐड की हैं। हाँ, और अब ये जो ब्यूटीफुल सा व्यू है ना, हम आपको दिखाते रहेंगे अपनी वीडियोस में। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी ये तो खाली फ्लैट की हमने आपके साथ शेयर की है, अब शेयर करेंगे आपके साथ हम शिफ्टिंग वीडियो नेक्स्ट। तो चैनल में बने रहिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे शिफ्टिंग की वीडियो।